बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक जॉइंट स्वेलिंग पेन एंड फंक्शनल लिमिटेशन फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर 16 ईयर्स। इट इज़ बेसिकली अ चिल्ड्रंस आर्थराइटिस। इसके क्लिनिकल्स में हम इंक्लूड करते हैं कुछ आर्टिकुलर और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसके अंदर आर्टिकुलर में और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में फ़र्क क्या है कि आर्टिकुलर में हमारी जॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेंज ऑफ मोशन में क्या मसला आ रहा है, ये सब आ जाएगा। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर के जॉइंट MSK के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो आर्टिकुलर में सबसे पहले आ जाता है जॉइंट स्वेलिंग, पेन अलॉन्ग विद स्टिफनेस एंड रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन। ये 3 चीज़ें हमारे पास आर्टिकुलर में आ जाती हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में बच्चों के अंदर, जबकि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में इससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे पास जनरल भी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकते हैं और ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इन जनरल हमारे पास फीवर, स्किन का पेल हो जाना, एनारोक्सिया और वेट लॉस, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों का लिम्पिंग गेट होता है, और इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी फेल हो जाती है और प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में आते हैं, ये इनकी ग्रोथ से रिलेटेड गेट पैटर्न आ गया और कुछ जनरल या फिर सिस्टमिक फीचर्स। इसके साथ साथ स्किन कंडीशन अगर देखी जाए तो इन बच्चों के अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनने लगते हैं, कुछ बच्चों में रैश की कंप्लेन होती है, इसके अलावा सोरियासिस भी हमारे पास इसमें इंक्लूड हो सकता है कि सिल्वर स्केली पैचेस बन गए हैं या फिर रफ और स्केली स्किन हो गई है। इसके अलावा हम अगर ऑर्गन स्पेसिफिक बात करें तो हमारे पास स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है विच इज़ स्प्लिनोमेगैली, लिवर इनलार्ज हो जाता है विच इज़ हिपेटोमेगैली एंड लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब हमारे पास स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स भी होने लगता है जिसको हम लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास इंथेसाइटिस भी कॉमन होता है, जो कि हमारे पास इंसर्जन ऑफ टेंडन पॉइंट पे टेंडन के इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होती है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की। तो इसको याद रखने के लिए हम PSO याद रख सकते हैं, P से पॉलीआर्टिकुलर, S से सिस्टमिक और O से ओलिगो आर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो होता है ओलिगो आर्टिकुलर, जो कि 50-60% होते हैं। सेकंड कॉमन पॉली आर्टिकुलर होता है, और सिस्टमिक जो है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉमन होता है, 10-15%, जो कि बहुत सिवियर फॉर्म है। पहले हम पॉली आर्टिकुलर जो हमारे पास सेकेंड कॉमन है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास पॉली आर्टिकुलर है, तो मतलब ये 5 जॉइंट्स से भी ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स को क्या है, अफेक्ट करेगा, क्योंकि पॉली है मतलब मैनी जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इन फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर डायग्नोसिस होने के मतलब फर्स्ट सिक्स मंथ्स में जो है हमारे पास ये कंडीशंस होंगी, जिसमें हमारे पास पेशेंट जो है वो RF पॉजिटिव भी हो सकते हैं, RF नेगेटिव भी। RF पॉजिटिव पॉली आर्टिकुलर जी आई ये किस्म होती है, इसकी बेसिकली सब टाइप्स हैं 9-12 ईयर्स में, और RF नेगेटिव 6-7 ईयर्स में होते हैं, जो कि फिर लास्ट करता है अडल्टहुड तक। तो ये बहुत एक इसकी क्लियर जो है डिफरेंशिएशन है RF पॉजिटिव के RF नेगेटिव से, कि RF नेगेटिव तो अडल्टहुड तक भी लास्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों की जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स है वो यही है कि हमारे पास ये 5 से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ डिजीज़, और इसके साथ साथ हमारे पास जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन दोनों की स्मॉल लार्ज दोनों होंगी। बट ओलिगो की बात करें तो वो 5 से कम हो जाएंगे, मतलब 2 से तो ज़्यादा होंगे, लाइक 4 और few joints, ठीक है। तो ये मोनो से तो ज़्यादा होगा ना, लाइक मोनो मतलब 1, तो ओलिगो मतलब हमारे पास 2-4 joints, तो यहाँ पर 4 और few joints इन्वॉल्व होंगे, और इनकी सब टाइप्स में हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट और एक्सटेंडेड। और ये जो ओलिगो आर्टिकुलर जे आई ए है, ये 50-60% लाइक मोस्ट अकरिंग जो है ये हमारे पास फॉर्म है जे आई ए की। परसिस्टेंट जो होता है वो हमारे पास लेस देन 4 जॉइंट्स में होता है, लेकिन एक्सटेंडेड मतलब और अगर इस कंडीशन को मैं बढ़ा दूं तो ये 4 से ज़्यादा जॉइंट्स में होगा। अगेन ईयर्स की अगर बात करें, 6 ईयर्स से कम परसिस्टेंट जे आई होता है, अगर वो 6 साल से भी ज़्यादा बच्चे मतलब 6 ईयर्स से भी ज़्यादा बच्चों में है तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म है।
परसिस्टेंट में सिर्फ लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, बट जब एक्सटेंडेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो लार्ज और स्मॉल दोनों तरह के जॉइंट्स को जो है वो इन्वॉल्व करेगा। और परसिस्टेंट में हमारे पास यूवाइटिस के साथ भी जो है पेशेंट की एसोसिएशन होती है। तो ये हमारे पास ओलिगो और पॉलीआर्टिकुलर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक, विच इज़ 10-15%। ये हमारे पास सबसे लेस कॉमन फॉर्म है बट अ वेरी सिवियर फॉर्म। इसकी डिफ्रेंसीशन तो बहुत आसानी से हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर होता है स्पाइकिंग फीवर। किसी भी अभी तक के क्लासिफिकेशन में किसी भी टाइप में स्पाइकिंग फीवर नहीं है, जो कि सिर्फ सिस्टेमिक में पाया जाएगा। इसका जो मतलब एज ग्रुप है, इसमें 2-4 ईयर्स के बच्चे आते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सेम रेशो है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में ज़्यादा हो रहा है, बॉयज़ में इसमें सेम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जॉइंट सिम्टम्स भी आते हैं। इसके अलावा जो है पिंक रेड स्पॉट्स, येलो पिंक रेड स्पॉट्स बन जाते हैं चेस्ट, अपर आर्म्स और थाई एरिया में। जॉइंट सिम्टम्स में जॉइंट पेन और स्वेलिंग भी पेशेंट को पाई जाती है, लेकिन फर्स्ट फीवर अपेयर होता है, उसके बाद ये सब कुछ आता है। और जो अभी हमने जो उसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर के जो फीचर्स पढ़े थे, स्वेलिन, लिम्फ नोड्स, लिम्फेडिनोपैथी, इनलार्ज स्प्लेन और लिवर, पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस, मतलब ये सारे जो सिरोसाइटिस होती हैं, सब कुछ सिस्टेमिक में आते हैं। तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि हमारे पास जो है सिस्टेमिक जे आई ए है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टेमिक। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आता है, स्पाइकिंग फीवर, पिंक और रेड स्पॉट्स, और हमारे पास स्वेलन लिम्फ नोड्स, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगैली और हिपेटोमेगैली। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन।